हे गाइस, वेलकम बैक टू पहाड़ी ब्रदर्स व्लॉग्स। और दोस्तों, आज इस वीडियो में बात होने वाली है हंटर 350 के ग्राउंड क्लियरेंस की, क्योंकि बहुत से लोगों का ये डाउट रहता है कि यार इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है। सुनने में आया है कि थोड़ी हल्की बाइक है, नॉर्मल रॉयल इनफील्ड बुलेट से, क्लासिक और स्टैंडर्ड से। तो आज ये इस वीडियो में हमारा यही मोटिव होगा आपको दिखाने का कि स्पीड ब्रेकर मान लो थोड़ा साइज में बड़ा हो, थोड़ा छोटा हो, तो किस स्पीड ब्रेकर को इजीली ये बाइक क्लियर कर सकती है और किस स्पीड ब्रेकर पर ये टच हो सकती है नीचे से। तो मैं एक बार आपको कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ फिलहाल। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिखाता हूँ नीचे। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी हंटर 350 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 150 mm है। नॉर्मल जो हमारी स्टैंडर्ड और क्लासिक बाइक आती है उनका जो होता है वो 170 रहता है, इसका 150। और हमने समगार्ड लगा दिया तो उसके बाद शायद एक आधे इंच का कुछ फर्क आ सकता है। अगर मैं आपको थोड़ा और क्लोजली समझाऊं जिनको समझ में नहीं आया, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से फ्लोर से रोड से और इतना, सिर्फ इतना डिस्टेंस है। मतलब कि अगर थोड़ा सा ऊंचा स्पीड ब्रेकर आ गया ना, तो ज़रूर ये सनगार्ड यहाँ पर टच हो सकता है। सो गाइज, आप देख सकते हो यार, ये जो हमारा सामने आप स्पीड ब्रेकर देख सकते हैं ना, इसकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई है और यहाँ पर बाइक लग रही है, यानी कि 150 mm पे बाइक यहाँ पर टच हो रही है। बट अगर मैं वहीं पर दूसरी तरफ दिखाऊँ आपको, जहाँ से अभी गाड़ी निकली हमारे लेफ्ट हैंड साइड से, उसका हाइट थोड़ा सा कम है, वहाँ से फिर भी बाइक निकल जाती है। बट एज़ कम्पेयर टू राइट साइड, वहाँ पर बाइक टच ज़रूर होती है। बट हाँ, स्प्लेंडर वगैरह जो निकली है, प्लेटिना निकली है, उनका नहीं टच होता, क्योंकि उनकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। अब अजय भाई देखो, यहाँ से फिर दोबारा जाएंगे राइट साइड वाले से, और इसमें बहुत ही आराम से निकल गई है। बट हाँ, अगर इतनी हाइट होती तो ज़रूर वो भी टच हो जाता, तो आइडिया लग गया होगा आपको। सो गाइज, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कितनी है। और अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए बाइक देख रहे हैं तो आपको ये लेनी है या नहीं लेनी है, उससे इस वीडियो से आप आइडिया लगा सकते हैं। बट मैं बताऊँ तो इस पार्ट को छोड़कर ओवरऑल बाइक बेस्ट है, आप ले लीजिए। ऑफ रोडिंग के लिए भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, बट ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हो जाओगे इस बाइक से। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस बाइक की शॉर्ट्स के लिए नीचे लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर लेना, वो हमारे अजय भाई का चैनल है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।